आज के इफ्तार के लिए समोसे रोल पकौड़े लेने के लिए आ गए हम। और यार यहाँ पे क्या बन रहा है, ये तो कोई नेक्स्ट लेवल का सीन लग रहा है। ये पता नहीं क्या है, जानी क्या बन रहा है, मगज बन रहा है। और ये क्या बन रहा है, गुर्दा बन रहा है। ओ भाई यहाँ पे तो पता नहीं क्या क्या बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग, खैरियत से, ठीक ठाक है, मजे हैं। भाई आजकल तो यही रूटीन चल रहा है, जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है ना बिजी रूटीन में, गाड़ी लगाई साइड में और सीट लंबी करके आराम कर लेते हैं। और जैसा कि आप लोगों को ये भी मालूम है कि दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। जैसे ही रमजान स्टार्ट हुआ था उस वक्त मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अब जो है ना गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है तो रोजा भी ज्यादा लग रहा होता है। तो बस आप लोगों को भी लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है। आप लोगों को लेके चलते हैं इफ्तार की तैयारी पे। आमिर भाई भी आ गए, कैसे भजन, ठीक ठाक, खैरियत से। अहमद भाई आप कैसे, ठीक है, खैरियत से। अदन का ये चला गया क्या, चले भाई अदनान भाई भी जा रहे हैं डायरेक्ट इफ्तार की तैयारी के लिए, आपको भी लेके चलते हैं, आ जाएं। और ये हमेशा की तरह ट्रैफिक में फंस गए हम लोग। आमिर क्या कहते हैं गूगल बाबा, कितनी देर में पहुंचने वाले हम लोग, 42 मिनट्स। यार ये सारा का सारा ट्रैफिक की वजह से, अगर ट्रैफिक नहीं होना तो मेरे ख्याल से 20 मिनट में पहुंच जाए हम लोग। चलो रोजेदारो, चलो गाड़ियां चलाओ अपनी अपनी जल्दी जल्दी। भाई पीछे एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस को फौरन रास्ता देना चाहिए, फौरन। ये देखें भाई हमने रास्ता दे दिया, अल्लाह करे आगे भी जो है ना इनको रास्ता मिल जाए। आज क्या क्या मेन्यू है भाई? भाई हर रोज जो है ना कुछ नया होता है, तो आज भी जो है ना हम मेन्यू के अंदर कोई नई चीज ट्राई करने वाले हैं इंशाल्लाह, थोड़ी देर में आप लोगों को पता चलेगा। देखिए भाई सब फ्रूट लेके जा रहे हैं अपने अपने घर के लिए, रश लगा हुआ है यहाँ पे उल्टे हाथ पे, आधा रोड तो इस चक्कर में जाम हो जाता है। और वो देखे भाई सब रोल समोसे लेने के लिए जो है ना रश लगा हुआ है सामने, वो बेकरियों के बाहर जो है ना यही हालत हुई हुई होती है इस वक्त। भाई तकरीबन जो है ना हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन मैंने बोला कि ये आप लोगों को व्यू दिखा दूं सनसेट का, ये देखें थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह पहली मस्जिद के अंदर पहुंच चुके हैं और देखें यहाँ पे हमारी टीम ने माशाल्लाह तैयारी करके रखी हुई थी, फ्रूट वगैरह काट के रखे हुए थे। और जैसे ही हम रोल समोसे लेके आए ना, तो बस अभी जो है ना ये भी निकाले जा रहे हैं, ठीक है। और आज शरबत कौन सा है भाई, पाइन एप्पल, ये रहा भाई पाइन एप्पल। भाई नया फ्लेवर है आज, पाइन एप्पल फ्लेवर जो है ना तैयार कर रहे हैं। एक तो पानी हो साफ सुथरा, इसके बाद फिर बर्फ हो, और इसके बाद फिर जो है ना रंग बिरंगी शरबत हो, क्या मजा आता है यार, क्या बताऊं मैं आप लोगों को। पाइन एप्पल तो वैसे ही आपके भाई का बहुत फेवरेट है, तो ये जरूर मैं ट्राई करूंगा आज इंशाल्लाह। और आज सिर्फ शरबत जो है ना अलग नहीं है, आज खाने में भी कुछ नया सेटअप करवाया है हम लोगों ने, ठीक है। तो उसके लिए भी आप लोग रुके इंशाल्लाह, पीछे से आवाज आ रही है सुभान अल्लाह। इफ्तार के लिए जो है वो ट्रे लोगों को दी जा रही है ताकि ये लोग इफ्तार कर सकें, काफ़ी सारे लोग हैं माशाल्लाह यहाँ पे। और ये देखें मस्जिद दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब आपको लेके चलते हैं दूसरी मस्जिद में। अल्हम्दुलिल्लाह भाई ये सेटअप भी आ गया है, लेकिन इसके अंदर क्या है ये मैं अभी नहीं बताऊंगा आप लोगों को, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। भाई दूसरी मस्जिद के लिए निकल ही रहे थे कि अजाने हो गई, तो अब जो है ना रोजा यहीं पे खोलते हैं, रोजे के बाद वहाँ चले जाएंगे। आज जो है ना मैंने अपने लिए कीनू भी मंगवा लिए हैं, क्योंकि जो है ना ओवर ईटिंग मुझे ये खा के नहीं करनी, ये खाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठंडा पाइनएप्पल ट्राई करना तो बनता है यार। शरबत बहुत जबरदस्त है भाई पाइनएप्पल का। आमिर भाई एक समोसा पार्सल कीजिएगा इधर जरा, जज़ाकअल्लाह। ये समोसा हमारे हाथ से बच के निकल रहा था यार। यार ये पीच वाले से ज्यादा अच्छा है पाइनएप्पल, है ना? पाइनएप्पल बड़ा भी है आज। भजन कल कौन सा फ्लेवर होगा शरबत का, कल बताएंगे ना, बस यही कल कुछ नया करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज पढ़ ली, अब जो है ना बाइक पे जा रहे हैं दूसरी मस्जिद के अंदर, क्योंकि वहाँ पे जो है ना गाड़ी नहीं जा सकती, बाइक पे जाना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? वसी। वसी नाम है भाई। ये बच्चा बोल रहा है कि मुस्तफा भाई आप वापस आ रहे हैं ना इस मस्जिद में, खाना आपके साथ ही खाऊंगा मैं, यहीं पे आके खाऊंगा। आपका बहुत बड़ा फैन। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सब आ गए भाई, सब आ गए ब्लॉग के अंदर, ठीक है, सब आ गए। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ बेटा, बैठो आप लोग, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अब देखे ना इन लेस प्रिविलेज इलाकों के अंदर जो है ना जब अच्छी अच्छी इफ्तारी पहुंचती है, यहाँ के बच्चे अच्छा खाना खाते हैं यार,
बड़ा मजा आता है ये सब देख के यार। अल्हम्दुलिल्लाह आज की भी इफ्तार के अंदर जिन लोगों का हिस्सा मिलाना अल्लाह पाक उनका देना कबूल करे। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी मस्जिद के अंदर आ गए हैं, ये दो देगें तैयार हैं, बिल्कुल देगें। आज यहाँ पे मेन्यू में जो है ना दूसरी मस्जिद में लाल शरबत रखा गया था और यहाँ पे काफी सारे लोग जो है वो बस बैठ गए और अब जो है ना बिरयानी निकालना स्टार्ट करें। भाई बिरयानी नहीं है, सॉरी पुलाव है ना, और पुलाव बीफ का है, बोनलेस बीफ का जो है वो पुलाव बनवाया आज। कहाँ से बनवाया? जहाँ से कल बिरयानी बनवाई। जी जी चले वहीं से बनवाए। चले भाई स्टार्ट करें स्टार्ट। ये देखें साफ साफ बोलियाँ आपको नजर आ रही है और क्या खुशबू आ रही है। हाँ मजा आ गया अभी तो खुशबू सूंघ के। चले भाई निकाले निकालें, आसानी करें बिल्कुल। हाँ 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 क्या बात है। ये देखें चले भाई स्पीड में जो है वो थाल आगे जाते जा रहे हैं। ये देखें भाई चले भाई आगे बढ़ाए आगे बढ़ाए। हमारे दोस्त पहली वाली मस्जिद में हमारा इंतजार करें तो वहीं पे जाके खाना खाते हैं। वैसे आपस की बात है, बीफ पुलाव की जो खुशबू आ रही थी ना, दिल तो कर रहा था कि यहीं पे बैठे हैं। अबे दिल कर रहा था ना, हाँ लेकिन क्योंकि वादा किया हुआ था वहाँ पे दोस्तों से तो वहीं जाके खाएंगे। भाई सामने चांद का व्यू आप चेक करें यार, कितना प्यारा व्यू लग रहा है ना यार। ओहो पूरा चांद है भाई, सुभान अल्लाह। चले भाई पहली मस्जिद में वापस आ गए और जैसे ही यहाँ पे आए तो माशाल्लाह और बहुत सारे बच्चे हमसे मिलने के लिए आ गए और सब कह रहे हैं कि हमें व्लॉग में आना है, तो ये भाई आ गए सारे के सारे व्लॉग में आ गए। ठीक है भाई खुश है, चले जबरदस्त जबरदस्त। हाँ जी ये भी आ गए, सब आ गए माशाल्लाह। ठीक है बेटा ओके। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खाना खाने बैठ गए और ये देखें ये दवाया आपने और बोटी अलग हो गई, इसका मतलब बोटी VIP है। ठीक है जी और ये पुलाव आ गया पहला निवाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोटी तो ऐसी मलाई जैसी थी कि जबान से ऐसे दबाया ना तो बोटी का रेशा रेशा हो गया। अच्छा वैसे आप लोगों को बता दूं कि ये आज का पुलाव जो हमने बनवाया और उस दिन रोड साइड वाली जो बिरयानी थी अदनान भाई की रेकमेंडेशन के ऊपर बनी थी। अदनान भाई आप ले गए यार जबरदस्त, बेहतरीन हो गया सीन। चले भाई अब जो है ना हम लोग निकल रहे हैं और यहाँ पे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार का बहुत मजा आया। ठीक है भाई अल्लाह हाफिज। ओके भाई अल्लाह हाफिज, सबको अल्लाह हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह तरावी भी पढ़ ली और इस वक्त जो है ना भाई रात का क्या टाइम हो गया, 10:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने बोला VIP पॉपसिकल पे चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि नई लाइटें कैसी लग रही हैं। ये देखे भाई, ओबे भाई क्या हो गया क्या हो गया यार, इसको पकड़ो भाई इसको करीब करो अपने यार डरा दिया था इसने। तो ये जो है ना देखे भाई सारी की सारी हमने जो है ना नई चिली लाइट्स लगा दी हैं। ठीक है और वो वाली लाइट भी जो है ना खराब हो गई थी तो अब दोनों जो है ना लाइट्स हमने रिप्लेस कर दिए, तो ये हो गया VIP सेटअप। इसी के साथ जो है ना एक VIP पॉपसिकल भी खा लेते हैं। तो भाई कौन सी वाली खाएं यार, ये जो बस इतने सारे फ्लेवर्स होते हैं ना दिल करता है सारी खा जाए, लेकिन जो है ना एक ब्लैक करंट खाते हैं। ये आ गई भाई ब्लैक करंट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अबू जी आप? खैरियत से ठीक ठाक। अबू जी जो है ना तरावी पढ़ के अभी पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आह मजा आने वाला है। VIP सेटअप। रमज़ान में रेगुलर आपका भाई बिल्कुल भी वॉक नहीं कर पा रहा, लेकिन आज जो है ना मैंने बोला टाइम निकाल ही लेते हैं, बड़े बीफ पुलाव हमने निपटाए। तो ये देखें भाई मैंने टाइमर लगा दिया और आज जो है ना अच्छे से कैलोरीज बर्न करनी है। रात के 11:30 बज रहे हैं, अभी घर पहुंचा हूं और शायद मोहम्मद अहमद जाग रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? आपको मेरी याद आ रही थी क्या? जल्दी से मुझे किच्ची दे दो, मीठी मीठी किच्ची दे दो। बच्चा घर आते के साथ ही देखें एक फोन तो मेरा बिल्कुल जो है ना एंड हो गया था, इसको मैंने चार्ज पे लगाया देखें बिल्कुल जीरो, घड़ी भी बंद हो गई थी और मेरी भी बैटरी लो हो गई थी। भाई अब जो है ना मैं फैसला करता हूँ मोहम्मद अहमद का। जी बेटा क्या चाहिए आपको? चॉकलेट दे दो। क्या चाहिए? चॉकलेट दे दो। आप लोगों ने भी वही सुना जो मैं सुन रहा हूँ, चॉकलेट चाहिए। चलो मैं देता हूँ, आ जाओ आ जाओ, गले लगा लो जल्दी से मुझे गले लगा लो। आहा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो बेगम चॉकलेट नहीं है? चॉकलेट है चॉकलेट है। मोहम्मद बॉडी दिखाओ मुझे अपनी जरा। वाह भाई वाह यार, बाइसेप बना लिया माशाल्लाह इसने यार, रबड़ का बाइसेप है। दूसरा भी दिखा रहे हो? वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये क्या है, सिक्स पैक? मेरी मुट्ठी में बंद है क्या? ये लो मोहम्मद अहमद, हैप्पी? चले आज जो है ना मैं आप लोगों को बिहाइंड द सीन दिखाता हूँ कि ये बीफ बिरयानी और ये जो सब चल रहा होता है ना इसके कुछ निवाले लेता हूँ। असल तो देखें यही है मेरा डाइटिंग वाला खाना, रमजान में भी जो है ना यही चल रहा होता है।
बेगम ये चीटिंग होती है, ऐसी चीजें मेरे सामने नहीं रखा करें, फिर जो है ना मैं थोड़ा सा जज्बाती होकर खा लेता हूँ। तो भाई ये आ गया पहला आने वाला मेरे चिकन के फालू देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग अंदाजा लगाएं कि मतलब रात को आपका भाई इतना थक गया था कि मतलब जाके खाना खाने के बाद में फौरन सो गया, व्लॉग भी एंड करना मैं भूल गया यार, ऐसी हालत हो गई थी। तो व्लॉग को मैं अभी एंड कर देता हूँ जब मैं ऑलरेडी अपना नया दिन और नया व्लॉग स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं अगले ही ब्लॉग के अंदर जो कि आपसे 5 मिनट में स्टार्ट होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम।